आम आदमी पार्टी की आज फिर पोल खुली। एक आरटीआई में केजरीवाल के घर के बिजली बिल पर नया खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक जून महीने में भी दिल्ली के सीएम के सरकारी आवास का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा का आया है। इस पर विरोधी दलों ने मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी सरकार के सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी घर का जून महीने का बिजली बिल भी उनकी सादगी पर सवाल खड़े करने वाला है। महीने भर का बिल 1.25 लाख रुपए से ज्यादा का आया है। केजरीवाल के सरकारी आवास पर बिजली के 2 मीटर लगे हुए हैं। जून में इनमें से 1 मीटर का बिल 1,13,598 रुपए और दूसरे मीटर का बिल 22,689 रुपए आया है। इससे पहले अप्रैल मई में भी केजरीवाल के घर का बिजली बिल 1,20,000 रुपए आया था। ताजा बिल को लेकर दिल्ली सरकार सफाई दे रही है कि ये बिल सिर्फ घर का नहीं है बल्कि सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास में उनका दफ्तर और जनता दरबार भी है। सर, सीएम के घर में आप जाइएगा, वहाँ पे देखिए कितने लोग वहाँ पर आते हैं और उनके घर में जहाँ पे वो रहते हैं कितने एसी लगे हैं नहीं लगे हैं। वो बिना एसी के कमरे में रहते हैं और उसके अंदर कोई एसी लगा भी नहीं हुआ है। और आपको जो लग रहा है, जो वहाँ पर पब्लिक मिलने आती है, हर घर में ऑफिस होता है, लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। और अगर ये फार्मूला लगाएंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी एमएलए हैं, जितने भी एमपीज हैं, जितने भी नेता हैं, सबके घरों के अंदर बिजली के बिल कमर्शियल लगा देने चाहिए। लेकिन विरोधी इस सफाई पर ध्यान देने को तैयार नहीं। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, वो स्थिति हो रही है। दिल्ली की जनता उसको देख नहीं रही है, दिल्ली दिखाई नहीं दे रही है, अंधे बनकर और दिल्ली के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। केजरीवाल जी खुद मुख्यमंत्री हैं, उनके घर का इतना बड़ा बिल ये अपने आप में दर्शाता है कि उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। शिवानी त्यागी के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि इस मुद्दे पर केजरीवाल की अब तक की खामोशी बहुत कुछ कह रही है। उनकी पार्टी की नेता चाहे जो सफाई दे, लेकिन जनता को डर सताने लगा है कि कहीं सादगी के दावों पर भरोसा करना उसे महंगा न पड़े।